हाय गाइस, मैं शाम तो आप देख रहे टेक्निकल शॉन और इस वीडियो में मैं आपको MIUI 12 और MIUI 12.5 के लिए मोस्ट अवेटेड थीम सजेस्ट करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। MIUI 12 या MIUI 12.5 के लिए थीम सर्च करो तो आपको ये थीम जो है एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको लेबल लेस जो है फोल्डर्स और आपको आइकन्स देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। तो इसमें आपको गूगल का फोल्डर जो है वो आपका नेम देखने को नहीं मिलता या लेबल देखने को नहीं मिलता, और आपको कोई भी आइकन्स पे जो है लेबल का ऑप्शन जो है नहीं देखने को मिलता, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी क्लीन लगता है मेरे को। तो ऑब्वियसली मैं ऐसा पर्सनली थीम सर्च कर रहा था, फाइनली एक थीम मिल चुका है। और अगर आप चाहिए तो इसमें आपको जो है क्लॉक का स्टाइल जो चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप डायरेक्टली इसको चेंज कर सकते हैं 3-डॉट मेन्यू में टैप करके। और अगर आप जाइए तो इसमें आपको टूल का फोल्डर में भी सेम टू सेम जो आइकन पैक है वो आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी क्लीन मिनिमल राउंडेड एजेस के साथ आइकन पैक देखने को मिल जाता है, जो कि आपको बिना लेबल के साथ है, ऑब्वियसली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर आप जाइए तो इसमें आपको कंट्रोल सेंटर में जो न्यू टैब का लुक देखने को मिल जाता है, जो टॉगल्स है वो आपको सेम टू सेम राउंडेड एजेस के साथ देखने को मिल जाता है, कलरफुल टॉगल्स है जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। और ऑब्वियसली पर्सनली यूज़ के लिए ये जो थीम है काफ़ी अच्छा है, और इसका वॉलपेपर मैं पर्सनली चेंज किया हूँ, तो जिसका आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली ये वॉलपेपर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये डिमांड रहता है कि वॉलपेपर कौन सा मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जो भी मैं यूज़ करूँगा अभी आप आज से वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप जाइए इसका तो इसमें सेटिंग्स में भी न्यू टाइप का टॉगल्स जो है कलरफुल टॉगल्स आपको देखने को मिलता है, जो कि आपका राउंडेड एजेस के साथ है। तो ऑब्वियसली ये जो थीम है काफ़ी इंटरेस्टिंग, पर्सनल यूज़ के लिए अच्छा है। और अगर आप जाइएगा डार्क मोड, मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ तो आप भी डार्क मोड यूज़ कर सकते हैं। लाइट मोड में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लीन लुक देखने को मिलता है। और अगर आप जाइएगा अबाउट फोन में तो उसमें भी आपका MIUI 12 का जो लोगो है वो आपका रिप्लेस कर दिया गया है, और आपका ऑल स्पेक्स में भी जो है स्पेसिफिकेशन जो है वो भी आपका चेंज कर दिया गया टॉगल्स। और अगर आप जाइए इसका एडिशनल सेटिंग में तो एडिशनल सेटिंग में भी जो आपका जो UI या फुल स्क्रीन डिस्प्ले का जो जेस्चर है वो आपका चेंज कर दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग है ऐप, मेरे को पर्सनली ये जो है मतलब सॉरी थीम इंटरेस्टिंग लगा। और अगर आप जाइए इसका डायलर में तो डायलर भी आपका चेंज होता है, बट लाइट मोड में डार्क मोड में आपका चेंज नहीं होता। तो अगर आप डार्क मोड यूज़ कीजिएगा तो वो आपका डायलर और मैसेजेस आप सैक्रिफाइस कीजिएगा, बट अगर आपका गूगल डायलर और फोन मतलब मैसेजेस है तो ऑब्वियसली आपका ऐसे ही चेंज नहीं होगा और वैसे भी चेंज नहीं होने वाला है। और अगर आप उसका लॉक स्क्रीन में देखिए तो लॉक स्क्रीन में आपको न्यू टाइप का UI देखने को मिलता है, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आपको नेक्स्ट पेज करते जाना है और आप कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, जो कि मेरे को पर्सनली अच्छा लगा ये जो UI है, बट ये कुछ चाइनीज़ में है तो वो चीज़ मेरे को वियर्ड लगा, जो कि मेरे से यूज़ नहीं होने वाला। ऑब्वियसली मेरे को चाइना पढ़ने नहीं आता है और मैं चाइना से नहीं हूँ, तो ये आपको देखने को मिल जाता है। तो लास्ट में अगर आप देखें तो उसमें आपको जो है नेट अप का UI देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी क्लीन है, राउंडेड एजेस हर जगह देखने को मिलता है। और अगर आप प्लस का साइन में टैप कीजिएगा तो आपको जो है नया जो है क्या बोलते हैं इसको एल्बम टाइप का कुछ देखने को मिलता है, या कुछ नया ऐप वॉल टाइप का जो कि आप देख सकते हैं। और अगर आप उसका लोगो में टैप कीजिए तो आपको न्यू टाइप का UI ओपन हो जाएगा, और डायरेक्टली अब उसमें रैंडम क्या होता है मुझे भी नहीं पता, इसमें शायद वॉलपेपर चेंज होता होगा, बट वॉलपेपर एक ही तो वाइट कलर का, उसमें क्या चेंज होगा आई डोंट नो, बट चेंज होता है कुछ शायद। और अगर आप जाइए सेटिंग में आपको डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि मैं कुछ भी टैप कर रहा हूँ तो अपने आप डार्क मोड हो गया, अब नहीं पता इसमें डार्क मोड लिखा हुआ था कि कुछ और लिखा हुआ था, बट डार्क मोड ही लिखा हुआ था तभी ना डार्क हुआ है। और अगर आप जाइएगा बाकी कुछ तो इसमें आपका जो है ग्रे टाइप का करना है, तो मुझे ग्रे नहीं पसंद है, कुछ अजीब लगता है फ़ोन, तो नहीं डार्क मोड ही ठीक है। डार्क मोड में आपको नीचे क्लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप डायरेक्टली क्लॉक का जो है विजेट को चेंज कर सकते हैं। तो मेरे को फर्स्ट वाला ही अच्छा लगा, आपको अगर सेकंड थर्ड अच्छा लगा तो आप ट्राई कर सकते हैं। और आपको सिसमानो का मतलब आइकन भी देखने को मिल जाएगा, सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सिसमानो के सामने, तो ऑब्वियसली जाइए सेटिंग्स का ऑप्शन में टैप कीजिए, और सेटिंग का ऑप्शन में टैप करने के बाद आपको देखने को मिल जाता है कस्टम अवतार, कस्टम चूज अवतार, उसके बाद आपका निक नेम, आप डायरेक्टली कुछ भी नाम लिख सकते हैं जो कि आपको पसंद है, आपका निक नेम पर्सनल नेम जो भी आपको चाहिए वो डाल सकते हैं, मेरा नाम मत डालिएगा, ऑब्वियसली डाल भी सकते हैं आपका चॉइस है। और अगर आप जाइएगा नीचे तो आपको जितना भी है सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ कुछ चाइनीज़ में और कुछ कुछ इंग्लिश में, जो कि आप रीड कर सकते हैं, जो कि रीड आपका करने मतलब जो कि आपको समझ में आ रहा है। और अगर आपको सिंपली ये डाउनलोड करना है तो उसका नाम जो आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप डायरेक्टली सर्च करके थीम स्टोर में लेब्रोनी या रोनी जो भी है लॉर्नी या जो भी है LRONE सर्च करना आपको थीम स्टोर में लोरोनी आपका इसका थीम का नाम लोरोनी है, तो ऑब्वियसली जाइए इसको सर्च कीजिए LRONE, और उसके बाद आपको जो लिंक शायद मिल जाए डिस्क्रिप्शन में तो जाइए चेक कर लीजिए, डाउनलोड कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आने के बाद आप
और भी काफी स्टेप्स कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो ज्यादा पसंद आ गया तो वीडियो को शेयर करने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर टैप कर सकते हैं। बेल आइकन पर टैप करने के बाद नोटिफिकेशन को जो है ऑल में रख दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और आप कोई भी प्रॉब्लम तो इसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में लाइक गेम रखते हैं अराउंड 210 जो कि आई गेस आप कंप्लीट कर सकते हो। 211 आप कंप्लीट कर दिए लाइक गेम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मतलब कल कुछ इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं मतलब कल।